सो गाइस फाइनली जो है वन प्लस ने कुछ और अपडेट यहाँ पे रिलीज कर चुका है वन प्लस के कुछ डिवाइस में, जैसे कि वन प्लस नोट सी 2.5C अगर आपके पास है इसमें भी एक और आपको अपडेट देखने को मिलेगा। कुछ लोग तो ये कहेंगे कि सिर्फ और सिर्फ इसी के डिवाइस में अपडेट मिलता है, हमारे डिवाइस में नहीं मिलता है। सो देखो यहाँ पे मेरा काम है जो भी अपडेट आ रहा है सारा चीज जानकारी आप तक पहुंचाना। सो यहाँ पे जो फाइनली यहाँ पे एक और अपडेट जो आया है वन प्लस नोट सी 2.5C पे, वो कौन सा अपडेट आया है मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा मिलेगा। एंड इसके अलावा और जो डिवाइस है जैसे कि थंबनेल पे आप देख ही लिए हैं, सो वो सब डिवाइस में आपको न्यू अपडेट अभी आपको देखने को मिलेगा। ओके सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, इसी के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। सो जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट अपडेट का अगर बात करें, ये है ऑक्सीजन ओएस 14.0 करके देखने को मिलेगा एंड डिवाइस है वन प्लस ओपन। अगर आपके पास वन प्लस ओपन है सो उसमें आपको न्यू अपडेट देखने को मिलेगा। ओके यहाँ पे मैं जो है माइक इस तरह से पकड़ा हूँ, ये इसलिए क्योंकि जो है मुझे भी इस तरह से पकड़ने का कभी आदत नहीं है, बट यहाँ पे मजबूरी में पकड़ना पड़ा है क्योंकि काफी लोग कमेंट कर रहे हैं कि साउंड सही नहीं आ रहा है। दूर से माइक जो रहता है सो वॉइस इतना सही से ये कवर नहीं कर पा रहा है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हाथ से ही पकड़ के नजदीक से रिकॉर्ड करूँ। मुझे शायद माइक चेंज करना पड़ेगा क्योंकि कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि वॉइस क्लियर इतना नहीं आ रहा जितना कि आना चाहिए था। मुझे भी वैसे ही लग रहा है क्योंकि एडिट कर रहा हूँ सो मुझे मालूम चल रहा है। सो यहाँ पे अगर बात करें इस अपडेट का और वन प्लस ओपन डिवाइस में आपको देखने को मिलेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम को यहाँ पे इम्प्रूवमेंट किया गया है। फोन का जो सिक्योरिटी सिस्टम है उस चीज पे यहाँ पे काम किया गया है इस न्यू अपडेट पे। सेकेंड जो चीज है यहाँ पे, अगर आप कोई भी एप्लीकेशन ओपन कर रहे थे इस्तेमाल कर रहे तो सही से वो एप्लीकेशन ना ही ओपन हो रहा था ना ही सही से वो स्पीडली चल रहा था। ये प्रॉब्लम जो आ रहा था उस प्रॉब्लम को यहाँ पे फिक्स आउट किया गया है। एंड दूसरा जो चीज है, इनकमिंग कॉल पे आपको जो है मैसेज शो अप नहीं हो रहा था, जैसे कि कोई कॉल कर रहा है सो उसका नोटिफिकेशन आपको शो अप नहीं हो रहा था, उस चीज को भी यहाँ पे सॉर्ट आउट किया है इस न्यू अपडेट पे। ओके सो ओवरऑल यहाँ पे सिर्फ 3 ही आपको यहाँ पे इस अपडेट में काम जो चेंज किया है वो चीज आपको देखने को मिलेगा, सिक्योरिटी सिस्टम एंड यहाँ पे कॉल के नोटिफिकेशन एंड यहाँ पे आपके जो स्क्रीन पे आप जैसे कास्टिंग कर रहे थे एक एप्लीकेशन दूसरे एप्लीकेशन इस्तेमाल करने के प्रॉब्लम देखने को मिलता था उस चीज को यहाँ पे सॉर्ट आउट किया गया है। ओके सो आपके डिवाइस में अगर देखने को मिल रहा है वन प्लस ओपन पे सो इसके आप अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, फोन का जो सेटिंग है वहां पे आना है, वही आपको सॉफ्टवेयर अपडेट करके देखने को मिल जाएगा। अगर वहां पे शो ऑफ नहीं हो रहा है तो अवार्ड वाला सेक्शन पे आगे वहां पे आपको 101% है कि शो ऑफ हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा है तो फोन को एक बार रिबूट रिस्टार्ट करके देखना एंड कुछ टाइम आपको वेट जरूर करना है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सेकेंड अपडेट का, जैसे कि वन प्लस ओपन पे यहाँ पे क्या अपडेट था वो क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पे वन प्लस का 10T डिवाइस में आपको न्यू अपडेट देखने को मिलेगा। यस वन प्लस के 10T डिवाइस अगर आपके पास है उसमें आपको न्यू अपडेट देखने को मिलेगा। ये जो अपडेट है ऑक्सीजन ओएस 14.0 करके आपको देखने को मिलेगा। एंड चेंजेस का अगर बात करें तो यहाँ पे क्लॉक पे डिफॉल्ट रिंगटोन, यहाँ पे और भी न्यू थीम्स कह सकते हैं वो एड किया गया है अलार्म के लिए क्लॉक पे। ओके फोन का जो यहाँ पे आपका जो है क्लॉक वाला फीचर है उसमें। एंड दूसरा जो चीज है फोन का जो सिक्योरिटी सिस्टम है उस चीज को यहाँ पे अपडेट किया गया है। सो इस अपडेट में आपको जो है फोन का जो सिक्योरिटी सिस्टम है उस पे यहाँ पे चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। एंड दूसरा है क्लॉक जो रहता है आपके फोन पे अलार्म के इस्तेमाल करने के लिए उसमें साउंड एड किया गया है। सो वन प्लस 10T पे आपको ये अपडेट देखने को मिलेगा। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि न्यू अपडेट इस डिवाइस में नहीं आ रहा है, सो फाइनली आ चुका है। अब आपको इस अपडेट के लिए फोन का जो सेटिंग है वहां पे आना है, और वाला सेक्शन है वहां पे आपको सॉफ्टवेयर अपडेट करके देखने को मिल जाएगा। ओके इन इस अपडेट में अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट आप जरूर कर लेना। अब बात करते हैं नेक्स्ट डिवाइस की अपडेट के बारे में। नेक्स्ट जो डिवाइस है जैसे कि वन प्लस ओपन भी हो गया क्लियर एंड दूसरा है वन प्लस 10T वो भी अपडेट क्या आया था वो भी क्लियर हो चुका है। एंड नेक्स्ट लास्ट अपडेट का अगर बात करें तो इस डिवाइस का, इस डिवाइस में आपको ऑक्सीजन ओएस 14 के अंदर न्यू अपडेट आपको देखने को मिलेगा। ओके एंड 14 के अंदर आपको ये अपडेट जो देखने को मिलेगा एंड इस अपडेट पे चेंजेस आपको सिर्फ और सिर्फ यही देखने को मिलेगा, ज्यादा कुछ नहीं है। सिर्फ सिक्योरिटी सिस्टम पे यहाँ पे काम किया गया है, फोन का जो सिक्योरिटी सिस्टम है उस चीज को यहाँ पे इम्प्रूवमेंट किया गया है इस न्यू अपडेट पे। ओके सो अगर आपके फोन पे ये अपडेट आ रहा है सो आप बिंदास होकर इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड अगर आपका कुछ और क्वेरीज हो इस डिवाइस को लेके कमेंट आप जरूर कर देना है। बात कर लेते हैं यहाँ पे एंड्रॉइड 15 का इस डिवाइस के बारे में। सो मैं आपको लिस्ट भी जाहिर कर चुका हूँ, कुछ वीडियो में बता भी चुका हूँ कि क्या यहाँ पे इस डिवाइस में हाल है ऑक्सीजन ओएस 15 को लेके।
सो फाइनली जो है सिक्योरिटी सिस्टम यहाँ पे अपडेट आ चुका है जो कि आप इंस्टॉल कर सकते हैं। सो इसके अलावा कुछ और चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ फोन का सिक्योरिटी सिस्टम है एंड फोन का परफॉर्मेंस को भी यहाँ पे उस पर जो है बूस्ट करने का काम करेगा। सो गाइस आई होप कि वीडियो का जो है जो भी यहाँ पे था अपडेट मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ आप और आप समझ भी चुके हैं। सो आपके पास वन प्लस का कौन सा डिवाइस है, ये अपडेट मिला है या नहीं कमेंट करके जरूर बताना। एंड अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक है, ज्वाइन जरूर कर लेना।